दरअसल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पांचवा संस्करण दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में अलग अलग थीम पर छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल, प्रोजेक्ट और पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग स्टॉल पर जाकर छात्रों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पांचवां संस्करण दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम देश भर के छात्रों द्वारा तैयार किए गए शिल्प कला के साथ साथ मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स और नवाचारों की एक अनोखी प्रदर्शनी। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री एक एक स्टॉल पे गए और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। कपूरथला की रुचिका कुमारी से कोविड-19 प्रदर्शनी के संदर्भ में जानकारी हासिल की। इस प्रदर्शनी में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफलता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। जस्ट बिफोर द इंटरेक्शन आई जस्ट फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एक्साइटमेंट एंड रश एंड इट वॉज अ वेरी नाइस इवेंट। ही वॉज वेरी हम्बल, पोलाइट एंड काइंड विद अस। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थे पहले भी। जैविक सामग्री से बने पारंपरिक खिलौनों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ ही कलाकृतियों में स्वच्छता अभियान, मधुबनी पेंटिंग्स की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के छात्रों ने भी अलग अलग पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न स्कूल के प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों ने अपनी कल्पना और हौसलों की उड़ान को बताने की कोशिश की। वहीं रंगों के माध्यम से छात्रों ने अपने विचार को व्यक्त किया। छात्रों ने पेपर मैशे कला के माध्यम से स्वच्छ भारत और हरित भारत के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जबकि केंद्रीय विद्यालय की नंदिता और निवेदिता ने वैदिक गणित के जरिए गणित सीखने का अनोखा तरीका पेश किया। We started it with very few of our friends, and now we have over 1,000 students from all around the world. We have a YouTube channel, and that is Max Made Easy by Nandita and Nivedita, and we showed the video to PM. इन दोनों बहनों ने PM का ध्यान खास तौर से अपनी ओर खींचा। इनका YouTube चैनल न केवल गणित सीखने बल्कि छात्रों के मन से गणित जैसे कठिन विषय का डर भी दूर करता है। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता दो बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहां तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए। वे खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के नए प्रोजेक्ट को भी प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य उपकरणों से लेकर ब्लूटूथ सर्विंग टेबल और 3D टेक्नोलॉजी प्रिंटर तक कई नए मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से मन की बात रेडियो ट्रांजिस्टर के 3D प्रिंटर मॉडल पर ऑटोग्राफ भी लिया। सर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन बनाए थे, जैसे ये सर डिजाइन इधर है, और सर हमने एक मन की बात का रेडियो बनाया था, एक रेडियो बनाया था उसमें मन की बात का डिजाइन बनाया था हमने। उनको पहले मॉडल लिखाया था तो उनको सर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमारा नाम लिख के वो मॉडल हमको ले लिया। रचनात्मक अभिव्यक्ति भावनाओं और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत करने से पहले उनकी रचनात्मकता को सराहा।